हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है, कौन सी दो कंट्री के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, कौन से फोर्सेज के बीच में, तो दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेज के बीच में हुई है और कहाँ पे हुई, राजस्थान के अंदर। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जैसलमेर के अंदर। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है, साइक्लोन वन, राइट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेंटेंस जो अभी मैं बोलना, सभी वो क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइक्लोन वन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्री के बीच में हुई, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ये उसका पहला एडिशन था, कौन से फोर्सेस ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ पे हुई थी, तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर। एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो साइक्लोन वन है वो लास्ट ईयर होने वाली थी 2022 के अंदर, लेकिन वो पोस्टपोन हुई, बराबर ना, जोधपुर के अंदर होने वाली थी, लेकिन इस बार जैसलमेर के अंदर हुई है। ओके, अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इस काइंड एक्सरसाइज ब्रिंग्स टूगेदर द स्पेशल फोर्सेज ऑफ द बोथ इंडिया एंड इजिप्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। पहली बार इंडिया और इजिप्ट के बीच में स्पेशल फोर्सेज के बीच में एक्सरसाइज हुई, बराबर ना। साइक्लोन वन विल एंगेज द कंटिजेंट्स ऑफ द बोथ द इंडियन आर्मी एंड द इजिप्टियन आर्मी टू एडवांस द स्पेशल फोर्सेज लाइक स्किल स्निपिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, रेकोनिजेंस, सर्विलियंस एंड टारगेट डेजिग्नेशन, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेपन्स, इक्विपमेंट, इनोवेशंस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ये सभी के बारे में दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडिया और इजिप्ट के बीच में, राइट। अगर मैं इजिप्ट के बारे में बात करूँ तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स, तो अब्दिल फतह इल सीसी, और कैपिटल इजिप्ट की है कैरो, करेंसी है पाउंड, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई इजिप्ट के बीच में, अभी इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, साइक्लोन वन स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, कौन से पर्पस के लिए हुई है, कहाँ पे हुई है, बराबर ना। ओके, चल नेक्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स के ऊपर आरबीआई का एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट का क्या सीनारियो रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। द आरबीआई रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द स्टेट फाइनेंसिस और स्टडी ऑफ द बजट फॉर 2022 to 2023। 2022-23 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग जगह पे कहाँ पे उन्होंने खर्चा किया, उसके बारे में आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट फाइनेंसिस और स्टडी ऑफ द बजट्स फॉर 2022 to 2023, बराबर ना। और इस रिपोर्ट का थीम क्या रखा गया है, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया द रोल ऑफ द स्टेट्स, बराबर ना। इस रिपोर्ट का थीम रखा गया है, इम्पोर्टेंट है, राइट। द रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन दैट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसिस फॉर द 2022 to 2023 इन कंपेरिजन टू द एक्चुअल एंड रिवाइज प्रोविजनल अकाउंट फॉर 2020-21 and 2021-22। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरबीआई इस रिपोर्ट के अंदर एक सिनारियो दिखाती है, एक इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई अलग अलग राज्य सरकार ने अलग अलग जगह पे 2022-23 के अंदर कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, कितना खर्चा एक्सपेक्ट किया गया था और कितना खर्चा किया गया, उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर आरबीआई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, अभी इस रिपोर्ट के अंदर से जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आपको पता ही है कि आपका जितना जीडीपी है, फॉर एग्जांपल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी 100 रुपया है, फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी 100 रुपया है, लेकिन अगर आपके ऊपर डेब्ट 40 रुपीज़ की है, बराबर ना, तो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया, 40%। ऐसा होता है कि जीडीपी 100 रुपया और उसमें और 40 रुपया क्या है, डेब्ट है, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया, 40%, बराबर ना। तो यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो के अंदर आरबीआई क्या बोलती है, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द स्टेट्स डेट टू जीडीपी रेशियो कंटिन्यूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई। मतलब राज्य सरकार की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो
ओवर द ईयर्स इंक्रीज ही होती जा रही है, बराबर ना। मतलब राज्य सरकार की डेब्ट्स बढ़ती जा रही है, राइट। तो डेट टू जीडीपी रेशियो हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 31.1% इन 2020 टू 2021 टू 29.5% इन 2022-23, बराबर। कि डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली हाई है लेकिन पिछले साल से बहुत ही कम हुई है, बराबर ना, राइट। 2020-21 के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो कितना था? 31.1%। 2022-23 के अंदर कितना रहा है? 29.5%, बराबर ना, राइट। ओके, और एक जो कमेटी बैठी थी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, उसके द्वारा क्या सजेस्ट किया गया था कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 20%, जो अभी कितना है ऑन एवरेज 29.5%, बराबर ना, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, स्टेट इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज टू 2% ऑफ जीडीपी इन 2020 टू 2021 फ्रॉम 1.7% इन 2017-18, बराबर ना। और 2022-23 में कितना हुआ है? 1.8%। इसका मतलब क्या है कि जितना स्टेट कमा रही है उसका जो जीडीपी है उसमें से 2% तो कहाँ पे उसका पैसा चला जाता है? जो उसने पिछली जो लोन ली है उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए, बराबर ना, राइट। और 2022-23 में कितना रहा है? 1.8%, बराबर ना, राइट। और रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि जो जो स्टेट का सब जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करती है एक साल के अंदर, बराबर ना, मतलब जो स्टेट ने अभी तक सबसे ज़्यादा लोन लेके रखी है वो स्टेट कौन सी है? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और वेस्ट बंगाल, बराबर ना, राइट। तो रिपोर्ट का कहना ये है कि जो स्टेट जो कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो कमाती है उसमें से मैक्सिमम पैसा तो ये इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए चला जाता है। तो फिर वो स्टेट्स जो ये मैक्सिमम पैसा उसका ये इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, तो वो फिर कैसे हेल्थ और एजुकेशन में अपना पैसा डाल पाएगी, राइट। ओके, तो आरबीआई का ये रिपोर्ट का क्या कहना है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। पिछली जो लोन का जो पैसा बाकी है उसको उसका इंटरेस्ट पेमेंट, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जितना जल्दी वो पे कर सके उतना जल्दी पे करना है, ताकि उसका इंटरेस्ट पेमेंट में ज़्यादा पैसा ना चला जाए, राइट। ओके, और बाकी का पैसा वो हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर खर्च कर सके, बराबर ना, और स्टेट्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके, राइट। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो व्हाट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, बराबर ना। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स इफ अ स्टेट ओन एंटिटी फेल्स ऑन अ लोन आर रिफर्ड टू एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज। देखो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई कंपनी है, अगर वो बैंक के पास से लोन लेती है, बैंक के पास से लोन लेती है, तो वो लोन का रिपेमेंट नहीं करेगी तो बैंक को पैसा कौन चुकाएगा? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट चुकाएगी। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बैंक को गारंटी देती है कि अगर अगर ये हमारी कंपनी ने आपको पैसा वापस नहीं किया जो उसने लोन लिया है, तो हम आपको पैसा वापस देंगे। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई है, ऐसी लायबिलिटी कि उसको पेमेंट यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और उसमें प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज, राइट। तो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अभी सबसे मैक्सिमम लॉस में जो चलती है ना वो कंपनी, वो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो पावर ट्रांसमिटर करती है, नॉर्मली उसका काम होता है। तो वो डिस्कॉम्स कंपनी जो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्कॉम कंपनी के लिए बैंक गारंटी ली है, बराबर ना। तो ये जो उनका डेब्ट है ये डिस्कॉम कंपनी का, वो किसका हो गया? स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट करती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्रिएट करती है, राइट। ओके, तो अगर आरबीआई की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट ऑफ द गारंटीज विच इज़ इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹3.12 लाख करोड़, मतलब 2% ऑफ जीडीपी इन 2017 टू ₹7.4 लाख करोड़, मतलब 3.7% ऑफ द जीडीपी। मतलब यहाँ पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उसके बिहाफ में कितनी गारंटी को इश्यू करके रखा है? 7.4 लाख करोड़ की गारंटी को इश्यू करके रखा है, विच इज़ 3.7% ऑफ द जीडीपी, जो बहुत ही हाई है फ्रेंड्स, बराबर ना। मतलब अगर ये स्टेट ओन कंपनीज बैंकों का लोन नहीं चुकाती है तो किसको देना पड़ेगा? राज्य सरकार को देना पड़ेगा, राइट। ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैव द मोस्ट आउटस्टैंडिंग गारंटीज एट द एंड ऑफ द मार्च 2021। 2021 मार्च 21 तक सबसे ज़्यादा गारंटी किसकी बाकी है?
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के पैसे देना अभी बाकी है बैंकों को, राइट? ओके यस ओके। और थर्ड टेक अवे है फ्रॉम द आरबीआई दिस रिपोर्ट, वो क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। आरबीआई कहता है कि द रिपोर्ट ऑल्सो वार्न्स ऑफ द न्यू कंसर्न्स विद द सम स्टेट्स प्रीफरिंग टू रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू करना चाहते हैं अपने यहाँ पे। ओल्ड पेंशन स्कीम पता है ना फ्रेंड्स कि अभी जो हम पेंशन सिस्टम जो चल रही है वो कौन सी है? नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। पहले क्या थी? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर में क्या होता था कि आप फॉर एग्जांपल जब भी रिटायर होते हैं, बराबर ना, तो रिटायर होने के टाइम जो आपका सैलरी है उसका 50% पेंशन आपको मिलेगा, बराबर ना, और आपके नॉमिनी को आपके बाद उसका 50% मिलेगा, राइट? ये ओल्ड पेंशन स्कीम था, राइट? और नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर में क्या होता है कि वॉलेंटरीली पेंशन होता है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपको पेंशन मिलेगा, अगर आप कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो पेंशन नहीं मिलेगा, सिंपल, बराबर ना? मतलब आपके पैसे में से ही। NPS के अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरी में से ही पैसा काटा जाता है और आपको दिया जाता है कोई जगह पे इन्वेस्ट करके। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में क्या होता था कि आपकी सैलरी में से कुछ नहीं कटता था, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से पेंशन प्रोवाइड करती थी, और वो भी लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम तो ठीक है, और आपके बाद आपके नॉमिनी को भी लाइफ टाइम पेंशन मिलता था, राइट? ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत क्रिएट करता था ओल्ड पेंशन सिस्टम, बराबर ना? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया था वाजपेयी जी के टाइम पे, बराबर ना, और NPS लागू किया था। लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अभी अपने वहाँ पे वोट बैंक के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले लागू करना चाहती है। तो RBI ने कंसर्न दिखा है कि स्टेट के ऊपर ऑलरेडी इतना डेब्ट है, तो अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम वहाँ पे लागू करेंगे तो और ज़्यादा डेब्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, बराबर ना, राइट? अगर मैं RBI के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? RBI का मुंबई के अंदर। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 के अंदर फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया इज अमंग द टॉप 3 नेशंस इन एक्सपांडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2020। और टॉप किसने किया? अर्जेंटीना ने। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पता ही है फ्रेंड्स, नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पे आपको केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है, जैविक खातर का यूज़ करना है, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना है, काउ डंग का यूज़ करना है, राइट? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपांड मतलब उसका ग्रोथ में इंडिया टॉप 3 नेशंस में आता है। और किसने टॉप किया है? अर्जेंटीना ने। तो ये कौन से रिपोर्ट में ये लिखा गया है एक्चुअली? तो द वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2022। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2022, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL एंड IFOAM, राइट? ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल है उसका नाम, उसका फॉर्मली नॉन एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, बराबर ना? ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL एंड IFOAM। IFOAM का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, बराबर ना? तो ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2022, राइट? और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि इंडिया इज अमोंग द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द टोटल एरिया अंडर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपांडेड द मैक्सिमम इन 2020। 2020 के अंदर फॉर एग्जाम्पल पहले 10 हेक्टर ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, और अभी 20 हेक्टर ऑर्गेनिक ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि 10 हेक्टर ज़मीन का एक्सपांसन हुआ है अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये इंडिया टॉप 3 कंट्री के अंदर आई है, क्योंकि 2020 के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग जितनी ज़मीन पे होती है उस ज़मीन का एक्सपांसन हुआ है सबसे ज़्यादा टॉप 3 कंट्री के अंदर, बराबर ना? और उसमें इंडिया का नाम है। सबसे पहला नंबर कौन सा है? अर्जेंटीना के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपांसन हुआ है, राइट? उसके बाद है उरुग्वे और थर्ड नंबर पे है इंडिया, बराबर ना? 359,000 हेक्टर ज़्यादा ज़मीन के ऊपर मतलब 16% ज़्यादा लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी 2020 के अंदर, बराबर ना, राइट? ओके,
अगर मैं इसको स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ तो वर्ल्ड्स टोटल 74.9 मिलियन हेक्टर अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑस्ट्रेलिया हैज़ द हाइएस्ट एट 35.69 मिलियन हेक्टर फॉलोड बाय द अर्जेंटीना। अगर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो लैंड अवेलेबल है वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सेकंड नंबर पे कहाँ पे, अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पे उरुग्वे एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है, बराबर ना। लेकिन एक्सपांशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, अर्जेंटीना के अंदर, बराबर ना, राइट। अगर मैं इंडिया के एफर्ट्स के बारे में बात करूँ नेचुरल फार्मिंग के लिए, तो इट शुड बी नोटेड दैट द इंडियन कैबिनेट इज़ येट टू अप्रूव द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स प्रपोजल ₹2481 करोड़ टू लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन द न्यूट्रल फार्मिंग, बराबर ना। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग, लेकिन सरकार के द्वारा कितना पैसा अलोकेट किया गया था उसके ऊपर, 2481 करोड़ रुपया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बराबर ना। तो एक जस्ट एक इनिशिएटिव है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, बराबर ना। उसके अलावा इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 7.5 लाख फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना, बराबर ना। और इस स्कीम के अंडर में फार्मर्स विल गेट अ मैक्सिमम ₹15,000 पर हेक्टर डिपेंडिंग ऑन द लॉस इन द इनकम। फॉर एग्जांपल कोई फार्मर ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है और वही फार्मर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब नहीं डाला जाता, तो यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता जितना ट्रेडिशनल फार्मिंग में होता है, बराबर ना। तो अगर फार्मर को फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उसको ₹15,000 पर हेक्टर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा इस रिपोर्ट के बारे में, इंडिया के रैंक के बारे में, और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो अगर मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ इस रिपोर्ट के, तो ये रिपोर्ट क्या कहता है कि टोटल 74.9 मिलियन हेक्टर दुनिया की टोटल ज़मीन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में कवर है, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो लैंड अवेलेबल है वो कहाँ पे अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बराबर ना। सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना और थर्ड नंबर पे है उरुग्वे, राइट। और इंडिया का फोर्थ नंबर है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो लैंड अवेलेबल है उसके बारे में बात करें तो, बराबर ना। और टोटल 34 लाख ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, टोटल कितने ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के अंदर, बराबर ना, अरे वर्ल्ड के अंदर 34 लाख, और उसमें से 16 लाख फार्मर्स इन इंडिया आर इनटू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। 34 लाख ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स में से 16 लाख फार्मर्स तो इंडिया के अंदर है, बराबर ना, राइट। ओके, सॉरी सॉरी, बराबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने रिसीव किया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर एडॉप्टिंग द ग्रीन कॉन्सेप्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बराबर ना। तो एक्चुअली ये ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रोवाइड करती है, बराबर ना। और अभी ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा कौन से रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, बराबर ना, राइट। और विशाखापट्टनम स्टेशन सिक्योर्ड 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स इन 6 एनवायरमेंटल कैटेगरीज सच एज द सस्टेनेबल फैसिलिटीज, हेल्थ, हाइजीन, एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी, स्मार्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। टोटल ये 6 कैटेगरी के अंदर सेशंस का इवोल्यूशन करके यहाँ पे ये रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है। टोटल 100 पॉइंट में से 82 पॉइंट्स विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिले, बराबर ना, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन कौन से 6 कैटेगरी को कंसिडर किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, राइट, और कौन जीता। ओके, अगर मैं ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो पहली बार इंडिया के अंदर रेलवे स्टेशन कितने एनवायरमेंटल रिलेटेड स्टेप्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, बराबर ना। और
और ये जो संस्था है, ये जो रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, अगर उसमें कोई सेशन को प्लेटिनम सर्टिफिकेशन मिला, मतलब वो ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको गोल्ड रेटिंग सिस्टम मिला, बराबर ना, ओके, अगर उसको गोल्ड रेटिंग मिला तो वो नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको सिल्वर रेटिंग मिला तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, बराबर ना, राइट। तो ये उसके सिग्निफिकेंस है, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करूँ तो उसके चेयरमैन कौन है, गुरमीत सिंह अरोरा, हेडक्वार्टर उसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, 2001 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वॉज फॉर्म बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CIA के द्वारा ये बनाई गई है, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, ग्रीन रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है रेलवे स्टेशन को, बराबर ना, प्लेटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी के अंदर। और अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर ये ग्रीन रेटिंग सिस्टम दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, टोटल 6 पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेशन एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा फोकस कर रहा है, वो इवोल्यूशन 6 पैरामीटर के माध्यम से किया जाता है, बराबर ना। ओके चल, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कि क्रिस हिपकिंस बिकम द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड, बराबर ना। और जेसिंडा एंडन ने अभी रिजाइन दिया है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिस हिपकिंस, लीडर ऑफ द लिबर पार्टी, वॉज स्वॉन इन एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड बाई द गवर्नर जनरल सिंडी कीरो, राइट। अगर मैं क्रिस हिपकिंस ने किसको टेक ओवर किया उसके बारे में बात करूँ, तो पहले न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, जेसिंडा एडन थे, बराबर। उन्होंने रिजाइन दिया, इसकी वजह से ये क्रिस हिपकिंस वो प्राइम मिनिस्टर बने न्यूजीलैंड के 41st नंबर के, बराबर ना, राइट। अगर मैं जेसिडा एंडन के बारे में बात करूँ, तो मिस जेसिडा एंडन हैज़ रिजाइन एज द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर एंड अनाउंस द शी विल नॉट कंटेस्ट इन जनरल इलेक्शन सेट फॉर द अक्टूबर 2023, मतलब वो जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर मैं जेसिडा एंडन के अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ, तो वो थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की अब तक, बराबर ना, आफ्टर द जेनी शिपले और हेलन क्लर्क। शी ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल हेड, बराबर ना। और 2018 के अंदर वो दुनिया की सेकेंड महिला बनी कि जो किसी कंट्री की हेड थी, और उस पोजीशन के दौरान उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया, बराबर ना। शी वॉज रिलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर इन 2020 ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन शी वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर इन 2017, बराबर ना, राइट। 37 एज के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2017 के अंदर, बराबर ना। और दूसरी बार दूसरे टर्म के लिए उसको उनको इलेक्ट किया गया था जेसिडा एंडन को, बराबर ना। तो उन्होंने अभी रिजाइन दिया है, ओके ठीक है चल। अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करूँ, तो उसके प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, क्रिस हिपकिंस, गवर्नर जनरल है उसके किंडी केरो, कैपिटल है विलिंगटन और करेंसी है डॉलर, बराबर ना, ओके चल। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई, अगेन वीर गार्डियन एक्सरसाइज। और वीर गार्डियन एक्सरसाइज की अगर बात करें, तो वीर गार्डियन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में, और ये डिफेंस एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुई थी अभी रिसेंटली, जापान के अंदर, और इसका भी फर्स्ट एडिशन हुआ था, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीर गार्डियन एक्सरसाइज और जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड जापान इन्क्लूडिंग द इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयरफोर्स वॉज हेल्ड एट द जापान, राइट। और दिस इनॉगरल एडिशन ऑफ द एयर एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड जापान, उसका नाम क्या रखा गया, वीर गार्डियन, बराबर ना। इस एक्सरसाइज का एम क्या है, द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। यहाँ पे इंडिया की तरफ से किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कंटीजेंट इंक्लूड द 4 Sukhoi 30 MK1 एयरक्राफ्ट, 271 C-71 एंड 1 IL-78 एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज के दौरान इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, बराबर ना। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, तो सितंबर 2022 के अंदर जो 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया और जापान के बीच में, बराबर ना। तो वहाँ पे इंडिया और जापान ने डिसाइड किया था कि वो हर साल अभी इंडिया दोनों देशों के एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज करेंगे, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, वीर गार्डियन एक्सरसाइज, बराबर ना।
तो ये 2+2 मीटिंग जो होती है इंडिया की, वो किसके किसके साथ होती है? US के साथ होती है, जापान के साथ होती है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग। और 2+2 मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान कौन कौन बैठते हैं? फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं दोनों देशों के, और डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं, बराबर ना। तो इसी मीटिंग के दौरान जो इंडिया और जापान के बीच में हुआ था सितंबर 2022 के अंदर, तब भी डिसाइड किया गया था कि हम 2023 से वीर गार्डन एक्सरसाइज करेंगे इंडिया और जापान के बीच में, एयर फोर्सेस के बीच में। किसके किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया? Sukhoi-30 MK-1 एयरक्राफ्ट, 2 C-17 एयरक्राफ्ट और 1 IL-78 एयरक्राफ्ट, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, पहला एडिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर ये इस एक्सरसाइज के अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ, तो जो Sukhoi-30 MK-1 एयरक्राफ्ट था जो इस एक्सरसाइज के दौरान इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, उस Sukhoi-30 MK-1 एयरक्राफ्ट को चलाया था किसने फ्रेंड्स? तो अवनी चतुर्वेदी, जो इंडिया की पहली वुमेन फाइटर पायलट है, बराबर ना। तो उनके द्वारा इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना। राइट, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूँ, तो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो VR चौधरी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, 1932 के अंदर एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और अगर मैं जापान के बारे में बात करूँ, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा, कैपिटल है जापान का टोक्यो, और करेंसी है जापानीज येन, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। और प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है 106 पद्मा अवार्ड्स, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स विथ 7 पोस्टिमस अवार्ड्स है, बराबर। मतलब मरणों उपरांत जो अवार्ड मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। राइट, तो पद्मा अवार्ड्स 2023 वेर अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द इवनिंग ऑफ द इंडिया 74th रिपब्लिक डे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ द 106 पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। टोटल 106 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं और 7 मरणोपरांत अवार्डीज है, बराबर ना, इस पद्म अवार्ड्स के अंदर, बराबर ना। तो इन अवार्डीज के बारे में, इस अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो पद्म अवार्ड्स इज वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर्स आर गिवन इन द 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, राइट। अगर मैं पद्म अवार्ड्स 2023 के बारे में बात करूँ, टोटल 106 पद्म अवार्ड्स इन 2023 कंप्राइजेस 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण एंड 91 पद्मश्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग द 3 ड्यो केसेस। इन ड्यो केस द अवार्ड इज काउंटेड एज अ वन, बराबर ना। मतलब दो लोगों को एक साथ दिया जाता है, राइट। तो तीन टोटल 106 पद्म अवार्ड्स में से 3 ऐसे अवार्ड्स है, अवार्डीज है, जो जिन लोगों को दो दो लोगों को साथ में मिला है, राइट। देर आर 19 वुमेन अमंग द अवार्डीज एज वेल एज अ 2 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द फॉरिनर्स, NRIs, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 7 पोस्ट्यूमियस अवार्डीज, बराबर ना। तो मतलब टोटल 19 वुमेन को ये पद्म अवार्ड्स मिला है। 2 पर्सन ऐसे है कि जो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, मतलब वो इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो अभी फॉरेन रहते हैं, राइट। और 7 मरणोपरांत अवार्ड मिले हैं, बराबर ना। अगर मैं पद्म अवार्ड्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, 1954 के अंदर द इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया द भारत रत्न एंड पद्म विभूषण एज अ 2 सिविलियन अवार्ड्स। सबसे पहले 1954 के अंदर भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड की शुरुआत की गई। पद्म विभूषण फीचर्ड 3 क्लासेस, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन 8 जनवरी 1955, दीज 3 क्लासेस फेयर इवेंचुअली रीनेम द पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। देखो, अगर मैं ये पद्मा अवार्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ, तो 1954 के अंदर सरकार के द्वारा 2 अवार्ड्स अनाउंस किए गए, भारत रत्न और पद्म विभूषण, राइट। पद्म विभूषण की बात करूँ तो जब शुरुआत में पद्म विभूषण के 3 क्लासेस थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, लेकिन फिर इस 3 क्लासेस को क्या नाम दिया गया, 3 अलग अलग वर्ग को, कि सबसे पहला वर्ग मतलब पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग मतलब पद्म भूषण और तीसरा वर्ग मतलब पद्मश्री, बराबर ना, राइट। तो ये उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर मैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करूँ पर्टिकुलर, द पद्मा अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन द रिपब्लिक डे अंडर द 3 अवार्ड कैटेगरीज, कौन कौन से?
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की अगर बात करूं कि इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आफ्टर द भारत रत्न इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज। पद्म भूषण की बात करूं तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज गिवन फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ द हाई ऑर्डर। एंड पद्मश्री की बात करूँ तो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज गिवन फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, बराबर ना। तो पद्म भूषण जो हायर कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं, बराबर ना, उनको पद्म भूषण मिलता है। पद्मश्री कोई भी फील्ड के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पद्मश्री मिलता है। और पद्म विभूषण किसको मिलता है, बराबर ना, जिन्होंने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, एक्सेप्शनल काम किया है, उसको पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है, बराबर ना। वो इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट ऑनर है, बराबर ना, पद्म विभूषण। ओके, पद्म अवार्ड्स आर ग्रांटेड इन द मल्टीपल ऑफ द एरियाज। ओके, पद्म अवार्ड्स आर ग्रांटेड इन अ मल्टीट्यूड ऑफ द एरियाज इंक्लूडिंग द आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विस। इतनी कैटेगरी के अंदर पद्म अवार्ड्स दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी कैटेगरी के अंदर पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है, बराबर ना। अगर मैं इस अवार्ड्स के कन्फर्मेंट के बारे में बात करूं तो ईच ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिस्टोस दिस ऑनर्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल इवेंट्स हेल्ड इन द राष्ट्रपति भवन। द विनर्स रिसीव अ मेडल एंड अ सेंड एंड अ सनद, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, दिस इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। जो अवार्डीज होते हैं उनको मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, बराबर ना। टोटल नंबर ऑफ द अवार्ड्स गिवन इन द ईयर शुड नॉट बी एक्सीड 120, 120 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं मिल सकते, बराबर ना। एक्सक्लूडिंग द पोस्ट्यूमस अवार्ड्स एंड द अवार्डीज टू द NRIs, फॉनेरर्स एंड OCIs। के टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने होने चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें जो फॉरेनर्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं, बराबर, जो पोस्ट्यूमस अवार्डीज को जो अवार्ड दिए जाते हैं उसको काउंट नहीं करते, राइट। द अवार्ड कैन नॉट बी एडेड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपेंट्स नेम एंड इज नॉट नॉट इक्वल टू अ टाइटल, बराबर ना, राइट। कि अवार्ड ये किसी रेसिपेंट के नाम के ऊपर ये अवार्ड नहीं आएगा, बराबर ना। मतलब फॉर एग्जांपल अभी नहीं, बाल गंगाधर तिलक अवार्ड ऐसा कोई अवार्ड है कि जो कोई रेसिपेंट के नाम पे रखा जाता है, बराबर ना। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन को पहली बार कोई अवार्ड मिला, बराबर ना, तो उसके नाम के ऊपर। ओके ओके, द अवार्ड कैन नॉट बी एडेड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपेंट्स नेम इन इज नॉट इक्वल टू अ टाइटल। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता होगा खेल रत्न अवार्ड की बात करें, खेल रत्न अवार्ड अभी किसके नाम के ऊपर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, बराबर ना। तो ऐसे कोई पर्सन के नाम के ऊपर ये पद्म अवार्ड कभी भी नहीं हो सकते, बराबर ना, राइट। अगर मैं ये अवार्ड किसको देना है उसको कौन डिसाइड करता है, तो एक कमेटी बनाई गई है, डिसाइडिंग कमेटी। द पद्म अवार्ड्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द पद्म अवार्ड्स कमेटी विच इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ईच ईयर। द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक, सेल्फ नॉमिनेशंस आर ऑल्सो एक्सेप्टेड, बराबर ना। नॉमिनेशंस मैंने आपको बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ करवाई थी कि एक सरकार ने एक पोर्टल बनाया है कि जहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को पद्म अवार्ड मिलना चाहिए तो आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो, बराबर ना। मतलब ओपन फॉर ऑल नॉमिनेशन इज, बराबर ना, राइट। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्स द पद्म अवार्ड कमेटी विच ऑल्सो कंप्राइज द होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 एमिनेंट पीपल, बराबर ना। तो ये पद्म अवार्ड कमेटी के अंदर सेक्रेटरी कौन बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो चेयरमैन बनते हैं, उसके अलावा होम सेक्रेटरी भी होते हैं, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट भी होते हैं और 4 to 6 एमिनेंट पीपल होते हैं। द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज राजीव गौबा, बराबर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ फ्रेंड्स, बराबर ना, तो भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड इन द इंडिया इन इज गिवन इन ऑनर ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विस और हाई कैलिबर परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, बराबर ना। भारत रत्न इज प्रीस प्रोसेस डिफरेंटली देन द पद्म अवार्ड फॉर विच द प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत रत्न के अंदर ओपन नॉमिनेशन नहीं होता, बराबर ना। भारत रत्न के अंदर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बराबर ना, कि किसको भारत रत्न देना है। और पद्म अवार्ड्स का ओपन नॉमिनेशन होता है कि अगर जिसके जिसके ऊपर ज़्यादा नॉमिनेशन आएगी उसको ये अवार्ड मिलेगा, जो सिंबल, बराबर ना। ओके,
तो यहाँ पे कौन कौन से लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, बराबर ना। कौन कौन से कैटेगरी के अंदर मिला है, कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ये पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। उसके अलावा पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है, कौन से लोगों को मिला है ये भी मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है, कौन से फील्ड के अंदर मिला है, कौन सी कंट्री स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, बराबर ना, वो भी लिखा है। और पद्मश्री टोटल 91 पीपल को मिला है, बराबर 91। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि कौन कौन से 91 पीपल को मिला है, जस्ट एक बार रिवाइज करना है उसको, रटने नहीं बैठना है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जस्ट पद्मा अवार्ड्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत जानना जरूरी है, बराबर ना। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करूँ तो उसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा और निशित प्रामाणिक, बराबर ना। ये 3 उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 12,882 करोड़ फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, बराबर ना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च की है, उसके कंटिन्यूशन के लिए कैबिनेट ने अभी कितना पैसा अलोकेट किया है, 12,882 करोड़ रुपया, बराबर ना। और नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम्स लॉन्च करनी है, इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था, 14th फाइनेंस कमीशन द्वारा, बराबर ना, राइट। दिस इंक्लूड द नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम एंड द स्कीम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो ये 2 स्कीम है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और स्कीम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये दोनों स्कीम को अभी कैबिनेट के द्वारा 12,882 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। अगर मैं ये नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की बात करूँ, इज़ 100% सेंट्रली फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड किया जाता है फॉर द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, बराबर ना। स्कूल, हेल्थ हॉस्पिटल, हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पैसा प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को, बराबर ना। और कितना पैसा, 100% फंडिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर, बराबर ना, राइट। अगर मैं अदर स्कीम्स की बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसको बोलते हैं PMDYN इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% सेंट्रल फंडिंग। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। PMDYN इज़ एन एडिशनली टू द क्वांटम ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इट विल बी नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर द एक्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, बराबर ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के आप बेनिफिशरी हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के आप बेनिफिशरी हो और उसके अलावा आपको फंडिंग सपोर्ट चाहिए, बराबर ना, कि PMDYN स्कीम है। PMDYN स्कीम का नाम याद रख लेना, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बराबर ना। तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, विच इज़ 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना, राइट। PMDYN स्कीम की अगर बात करूँ तो टोटल 6,600 करोड़ रुपये उसके लिए अलोकेट किया गया है फॉर द 4-ईयर पीरियड फ्रॉम द 2022-23 से लेकर 2025-26 तक, बराबर ना। अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग ये जो स्कीम्स लॉन्च की है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ, तो सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, प्रोवाइड द गैप फिलिंग सपोर्ट टू द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज पर देयर फील्ड नीड्स बाय टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स, बराबर ना। और असिस्ट इन कवरिंग द सोशल सेक्टर बेनिफिट्स एंड इनेबलिंग द लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन, बराबर ना। तो ये 3 मोटिव से यहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स लॉन्च की है और सरकार ने अभी इतना फंड अलोकेट किया है इसके लिए, वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। इस मीटिंग के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इट्स 53rd एनुअल मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023, कहाँ पे, दावोस के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस मीटिंग को दावोस समिट भी बोला जाता है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल अपनी मीटिंग दावोस के अंदर ही ऑर्गेनाइज करता है। और इस मीटिंग की थीम क्या रही, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इस मीटिंग की थीम थी।
द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्टेड द इवेंट इन कोलाबोरेशन विद द स्विस गवर्नमेंट एंड द कैंटोन ऑफ द ग्रूबंडन, बराबर ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार ध्यान में रख लेना है कि भाई किसके साथ कोलाबोरेशन करके इस मीटिंग को आयोजित किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये दो संस्था के द्वारा, एक तो स्विस गवर्नमेंट है और ये संस्था है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस मीटिंग के बारे में बात करूँ, टोटल इस मीटिंग के अंदर 2700 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग द 52 हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, बराबर ना। और इस 5 डे कॉन्क्लेव के अंदर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल फिगर्स, इन्वेस्टर्स, एकेडमिक्स, बराबर, ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, बराबर ना। और हर साल जनवरी के अंदर ये मीटिंग का आयोजन किया जाता है दावोस के अंदर, बराबर ना। राइट, यहाँ पे मैंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन किया है, कौन कौन से बिजनेसमैन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बराबर ना, वो आपको जस्ट लिस्ट प्रोवाइड किया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर ना। ओके, यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा उसके अंडर में जो संस्थाएँ काम करती है उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लॉन्च किए हैं। उसमें से बात करूँ, ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफॉर्म इंडिया रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट, द टॉप 1% ऑफ द इंडियंस करंटली ओन मोर देन 40.5% ऑफ द नेशंस एंटायर वेल्थ इन 2021। ये ऑक्सफॉर्म इंडिया ने रिपोर्ट लॉन्च किया, रिपोर्ट का नाम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 1% रिचेस्ट के पास इंडिया के 40.5% से भी ज़्यादा वेल्थ है, राइट। द रिपोर्ट अनकवर्ड दैट कि देर इज अ ग्रोइंग डिस्पेरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड ऑल्सो हाईलाइटेड द हाउ प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज माइट लेसन द इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे इंडिया के अंदर तो ये इनइक्वालिटी कम हो सकती है, वो रिपोर्ट के द्वारा हाईलाइट किया गया था, बराबर ना। राइट, ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द रिचेस्ट 1% हैव एक्वायर्ड अबाउट 2/3 ऑफ द ऑल न्यू वेल्थ, $42 ट्रिलियन टोटल 2021 के अंदर, 2020 तक कितनी वेल्थ क्रिएट हुई है, $42 ट्रिलियन की वेल्थ क्रिएट हुई है इंडिया के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस द इंडिया सप्लीमेंट, बराबर ना, तो इस रिपोर्ट को कौन लॉन्च करता है, ऑक्सफॉर्म इंडिया, बराबर ना। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडियन बिलियनरीज वेल्थ हैज इंक्रीज बाय 121% और ₹3608 करोड़ अ डे इन अ रियल टर्म्स, बराबर ना, सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्टेड इन January 2019 एंड एंडेड इन November 2022। कि 3 साल के अंदर इंडिया के जो बिलियनियर्स के उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 121% बढ़ी, बराबर ना। देयर वेर 166 बिलियनर्स इन इंडिया इन 2022, बराबर ना, और पहले 2020 के अंदर कितने थे बिलियनर्स इंडिया के अंदर, 102 थे। गौतम अदानी द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया हैड हिज वेल्थ राइज बाई 46% 2022 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसकी वेल्थ बढ़ी, गौतम अदानी की, बराबर ना। राइट, अकॉर्डिंग द ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स अदानी वॉज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के अंदर 2022 के अंदर सबसे सेकेंड रिचेस्ट पर्सन कौन थे, अदानी थे। इज ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ द दोज हुज वेल्थ सर्ज द मोस्ट ग्लोबली इन 2022। 2022 के अंदर जो लोगों के जो वेल्थ सबसे ज़्यादा बढ़ी है उसमें टॉप किसने किया था, अदानी ने किया था, बराबर ना, 2022 की अगर बात करें तो। और ये रिपोर्ट वो भी कह रहा है कि तो बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट अबाउट 64% ऑफ द GST इन इंडिया वाइल द वेल्थीएस्ट 10% कंट्रीब्यूटेड जस्ट 4%। मतलब ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि GST के अंदर इंडिया का जितना भी कलेक्शन है उसमें से बॉटम 50% 64% कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जो वेल्थीएस्ट 10% वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, 4%, बराबर ना। राइट, तो जो लोग कम कमा रहे हैं वो ज़्यादा GST पे कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा कमा रहे वो कम GST पे कर रहे हैं, जस्ट सिंपल, बराबर ना। राइट, ओके, तो एक तो ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया जो इंडिया के पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे बताता है। राइट, उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग के दौरान एक और रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, बराबर ना। राइट, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक ये रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है January 2023, बराबर ना, उसका एडिशन भी लॉन्च किया गया था इस मीटिंग के दौरान, बराबर ना।
हमारे नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी को, बराबर ना। पराक्रम दिवस इज अ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 23 जनवरी टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, बराबर ना, जिनको हम प्यार से क्या बुलाते थे, नेताजी, बराबर ना। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, बराबर ना, राइट। और ये कौन सा पराक्रम दिवस था? थर्ड पराक्रम दिवस था फ्रेंड्स, बराबर ना। हमने पहली बार पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया? 2021 के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस की 124th बर्थ एनिवर्सरी थी। अभी इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 126 थी, बराबर ना, राइट। अगर मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूँ तो सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन द 23rd जनवरी 1897 इन कटक, ओडिशा, बराबर ना। ही ज्वाइन द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट इन 1921 आफ्टर नोइंग अबाउट द नेशनलिस्ट टर्मोइल्स इन द इंडिया। He was elected the president of the All India Youth Congress and also the secretary of the Bengal State Congress in 1923. In 1924, he was appointed the chief executive officer of the Calcutta Municipal Corporation. In 1927, Netaji and the Jawaharlal Nehru became the two general secretaries of the Indian National Congress, and Subhas Chandra Bose passed away in a plane crash on 18 August 1945. Barabar na? तो ये उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, उनके कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, और उनके जन्मदिवस के ऊपर हम पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना, राइट, ओके। और इसी दिन के ऊपर पीएम मोदी ने रीनेम किया है, बराबर ना, जो 21 अननेम आइलैंड थे अंडमान निकोबार आइलैंड, बराबर ना, ओके। और इसी मौके पर पीएम मोदी जी ने नामकरण किया है 21 अननेम आइलैंड्स का, बराबर ना, कि जो अंडमान निकोबार के अंदर थे, बराबर ना। और ये 21 जो अननेम आइलैंड्स थे उनका नाम किसके ऊपर रखा गया है? फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर रखा गया है, बराबर ना। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो जो वीर चक्र अवॉर्डीज है, बराबर ना, उनके नाम के ऊपर रखा गया है, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।